हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम के बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले जो नंबर्स हमने सीखे वो थे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, कंप्लीट पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होंगे, और इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर हमने ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को सीखा। 0, 1, 2, 3, 4 जो नंबर्स पहले से पता है वो एज इट इज थे, इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। उसके बाद नेगेटिव में नंबर्स आए 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तो थे ही, इनसे भी छोटे नंबर्स थे -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फिनिटी, और इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब तक जो नंबर्स थे वो कंप्लीट नंबर्स थे, अभी कुछ ऐसे भी नंबर हुए जो फ्रैक्शन में थे, पार्ट थे इनका। जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 हाफ आ गया, 1 और 2 के बीच में 4/3 हो गया। जो नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये या तो फ्रैक्शन में थे या फिर डेसिमल में भी हो सकते हैं, 1.4, 1.5 इस तरीके से। तो जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और फिर एक नंबर सेट जो बिल्कुल ही डिफरेंट था, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, या तो रूट में होते हैं, रूट में वो नंबर्स जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, √5, √7, √11, या फिर ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, 1.45, 4.55, 4.555, इस तरीके से चलता जाएगा, इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और इन सभी नंबर्स को मिलके बनते हैं रियल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब तक हमने सिर्फ रियल नंबर्स को ही रीड किया है, अनरियल नंबर्स भी होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th में। हालांकि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में रियल नंबर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1, ये बेस्ड है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या फिर इसको डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं, इस पर, एल्गोरिदम। ओके, तो पहले देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है क्या, किस तरीके से हमें उसको यूज करना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सो ये है यूक्लिड का डिवीजन लेमा या फिर डिवीजन एल्गोरिदम। क्लास 9th में भी यूक्लिड का एक चैप्टर था, 5th चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यूक्लिड बहुत ही बेसिक चीज़ों को स्टेट करता है। ये जो लेमा है इसको हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी जब समझेंगे तो आपको याद आएगा। अभी बस इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो एक बार रीड करते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, और इसको लर्न करना है आपको। अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, ए एंड बी, पॉजिटिव होने चाहिए। मान लीजिए इंटीजर्स हैं 12 और 40, वेयर ए इज ग्रेटर दैन बी, जहाँ पर ए बड़ा होगा बी से। 40 क्योंकि बड़ा है तो यानी कि ये ए है और ये बी है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो आपको दो नए इंटीजर्स मिलेंगे क्यू और आर, सच दैट ए इक्वल होगा बी क्यू प्लस आर के। ये है क्या, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था 6th 7th में, जब डिवाइड हम करते हैं उसको चेक करने के लिए, दैट डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर के। यही है डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड का, रिमाइंडर। ओके, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, उसने कहा था एक ग्रेटर है दूसरे से, उसमें जो ग्रेटर है 40 इसको वो डिविडेंड ले लेता है, और जो छोटा नंबर है 12 उसको वो डिवाइजर ले लेता है, यानी कि 40 को डिवाइड करेगा 12 से। 12 3 ज़ार 36, रिमाइंडर कितना है 4। तो यहाँ पर दो नए इंटीजर्स आपको मिले, एक है क्यू, क्यू मतलब क्वेशेंट जो कि है 3, और एक है आर, आर मतलब रिमाइंडर जो कि है 4। यही डिविजन एल्गोरिदम है यूक्लिड का। इसमें एक जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर जो है रिमाइंडर वो या तो 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या फिर 0 से बड़ा होगा, मतलब आर नेगेटिव नहीं होगा, और हमेशा बी से छोटा होगा, बी यानी कि डिवाइजर। तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा इससे छोटा होगा। फॉर एग्जांपल, आपने डिवाइड किया 4 से 25 को, और टेबल आपने चलाई 4 5 ज़ार 20, रिमाइंडर है 5, 5 ग्रेटर है 4 से। अगर आर बड़ा है बी से, डिवाइजर से, तो क्वेश्चन आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टेबल 6 ज़ार चलेगी, 4 6 ज़ार 24, और फिर रिमाइंडर 1 होगा जो कि 4 से छोटा होगा।
क्लियर है? सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, वेयर ए इज ग्रेटर दैन बी, पॉजिटिव इंटीजर्स में से एक ग्रेटर है दूसरे से, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर. तो हमेशा आपको क्यू क्वेश्चन और रिमाइंडर मिल जाएंगे सच दैट ए इक्वल बी क्यू प्लस आर. ये इंपॉर्टेंट है, यही है एक्चुअली में यूक्लिड का डिवीजन लेमा. और ये कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 क्वेश्चन आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज में 4 हमेशा इसी कंडीशन पर बेस्ड है, इसी से ही सॉल्व होंगे. वेयर 0 इज लेस दैन और इक्वल टू आर, विच इज लेस दैन बी. आर हमेशा 0 या उससे ग्रेटर होगा और बी से छोटा होगा, बी के इक्वल भी नहीं हो सकता. ओके अभी इस लेमा को यूक्लिड ने यूज किया है दो नंबर्स के एच सी एफ को फाइंड करने में. फॉर एग्जाम्पल नंबर्स हम वही लेते हैं 40 और दूसरा क्या था 12. अगर आपको 12 और 40 का एच सी एफ फाइंड करना है तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 40 को 12 से. 12 3 जार 36, रिमाइंडर है 4. तो यूक्लिड कहता है डिवीजन आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना जाए. अब ये तो यहाँ पर खत्म हो गया. नेक्स्ट केस में आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है आपका उसको ए ले, उसको बी ले लीजिए, उसको डिवाइजर ले लीजिए और इसको डिविडेंड लेके फिर से डिवीजन परफॉर्म करिए. अभी 12 इधर आ जाएगा, 4 3 जार 12, अब रिमाइंडर है 0. तो एंड में जो आपका डिवाइजर है फाइनली, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 0 आया है, वो होता है इन दोनों नंबर्स का एच सी एफ. सो एच सी एफ ऑफ 12 एंड 40 इज 4. एच सी एफ हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा है, लेकिन इस एक्सरसाइज में एच सी एफ हम फाइंड करेंगे यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके. तो जो भी दो नंबर्स आपको गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल एन सी आर टी के ही दो नंबर्स हम लेते हैं. मान लीजिए नंबर्स हैं 455 और दूसरा नंबर है 42. एक नंबर ग्रेटर है, दूसरा नंबर स्मॉलर है. ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, वेयर ए इज ग्रेटर दैन बी. तो यूक्लिड कहता है कि हमेशा आप डिवाइड करेंगे तो क्यू और आर आपको मिल जाएगा. क्यू और आर हम फाइंड करते हैं, 445 को आप डिवाइड करेंगे 42 से. 45 पर टेबल चलेगी 1 से 42, माइनस किया 5 माइनस 2 इज 3, 0. 5 को कैरी किया 35, 35 पर टेबल नहीं चलती 0. तो ये हो गया 0, रिमाइंडर है 35. अभी जो रिमाइंडर है उसको आप डिवाइजर लेंगे और 42 को डिविडेंड लेंगे. अब 35 से डिवाइड करेंगे 42 को. सो 35 1 से 35, माइनस किया 542, 7 रिमाइंडर है. अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ. अब 7 से डिवाइड करेंगे 35 को. फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर आया 42, अब नेक्स्ट स्टेप में 35, जो पहले डिवाइजर था वह भी क्वेश्चन बन जाएगा. 35, 7 5 जार 35, अब ये पूरा डिवाइड हुआ है और लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 है, 0. जब ये 0 हो जाएगा डिवीजन आपकी खत्म हो जाएगी. तो एंड में जो डिवाइजर है आपका वो होता है आपका एच सी एफ. तो मतलब एच सी एफ ऑफ 42 एंड 445, इन दोनों नंबर्स का एच सी एफ है 7. ओके चलिए अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा. एक्सरसाइज 1.1 और पहला क्वेश्चन वही है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ. फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तीनों में आपको दो दो नंबर्स दिए हैं. दोनों नंबर्स के एचसीएफ आपको फाइंड करने हैं यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके. तो सबसे पहले है 135 एंड 225. 225 क्योंकि ग्रेटर है 135 से, इसको हम डिवाइड करेंगे, ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 225 इज डिवाइडेड बाय 135. 2 जार चेक करते हैं टेबल चलेगी या नहीं. into 2, 5 2 जार 10, 1 3 2 जार 6 प्लस 1 7. 270 ज़्यादा हो जाएगा तो टेबल 1 पर ही चलेगी. 135 माइनस किया 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 3 नहीं होगा, 12 माइनस 3 इज 9, रिमाइंडर है 90. आगे कुछ कैरी करने के लिए भी नहीं है तो यहाँ पर ये डिवीजन खत्म हो गई. लेकिन यूक्लिड कहता है हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आए. और आगे कैसे करेंगे, नेक्स्ट केस में जो रिमाइंडर है आपका वो डिवाइजर बनेगा और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बनेगा. 90 से अभी हम डिवाइड करेंगे 135 को. 135, 9 2 जार 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर भी 1 पर ही टेबल चलेगी. 90 into 1 इज 90, माइनस किया 5 माइनस 0 इज 5, 13 माइनस 9 इज 4, 45. अभी फिर से डिवाइड करेंगे 45 से 90 को. 90 यहाँ पर आएगा. 45 into 2, 5 2s are 10, 1 4 2s are 8 plus 1 is 9. 45
45 2 90, अभी फाइनल रिमाइंडर है 0। तो यानी कि ये जो दोनों नंबर्स थे 135 एंड 225, इनका HCF है 45। ओके, अभी इसको लिखेंगे कैसे, ये रफ वर्क है एक तरीके से, हालांकि करेंगे आप इसको क्वेश्चन के आंसर में ही। तो आप लिखेंगे दो नंबर्स थे 135 225, 225 ग्रेटर है 135 से। सो एज पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम कहता है ए इक्वल होगा बी क्यू प्लस आर के। तो यहाँ पर 225 इक्वल होगा 225 इक्वल 135 इंटू 1 प्लस 90। डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। सो 225 फर्स्ट केस में इक्वल 135 इंटू 1 प्लस 90। फिर से हमने डिवीजन परफॉर्म किया, ये फर्स्ट डिवीजन थी। सेकंड डिवीजन ये है, यहाँ पर 135 इक्वल है 90 इंटू 1 प्लस 45 के, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन जो कि 1 है प्लस रिमाइंडर जो कि 45 है। सो 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस 45। एक और डिवीजन है जहाँ पर 90 इक्वल है 45 इंटू 2 प्लस 0 के, 45 इंटू 2 प्लस 0। नाउ दैट रिमाइंडर इज 0, अभी यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तो हमारा जो मेथड है आर मेथड स्टॉप्स हियर, यहाँ पर रुक जाएगा और फाइनली आप लिखेंगे सो एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। फाइनली ये जो बी है आपका लास्ट में, ये एच सी एफ होगा इन दोनों नंबर्स का। क्लियर है, पहले डिवीजन परफॉर्म करनी है, फिर इस तरीके से उसको लिखना है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, तीनों केस में जब तक आर जीरो ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। ये है 196, 196 एंड 38,220, क्योंकि 38,220 तो बहुत बड़ा है 196 से, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 196 से। सेकंड पार्ट, 38,220 डिवाइडेड बाय 196। ओके, 38,382 पर पहले टेबल चलाते हैं, 2s चेक करेंगे, नहीं चलेगा वैसे क्योंकि 196 200 के बहुत पास में है, माइनस 448। ओके, 6 2s 12, 21, 9 2s 18, 19, 2 1s 2 प्लस 1 3, 392 ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले टेबल चली 196, माइनस किया, यहाँ से बोरो किया, 12 माइनस 6 इज 6, ये 7 बच गया था, यहाँ से बोरो किया 7 17 माइनस 9 इज 8, ये 2 बचा था, 2 माइनस 1 इज 1, 186। नेक्स्ट नंबर को कैरी किया 2 को, पहले प्रॉपर डिवीजन परफॉर्म करनी है हमें, लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा जहाँ पर डिवीजन खत्म होगी उसके बाद हम दूसरा स्टेप पर आएंगे, दूसरा जो डिवीजन है उसको करेंगे। 1862 चेक करते हैं टेबल कितना जाएगा, 200 टू 9s 18, 9s 18 चलेगी, 9654 5981 प्लस 586 8 9 प्लस 8 2s 18 17 1764, 1764 माइनस किया 2, 12 माइनस 4 इज 8, 5, यहाँ से बोरो करेंगे 15 माइनस 6 6 16 9, 7 माइनस 7 0, 98। नेक्स्ट एक और नंबर है अभी कैरी करने के लिए 0, 980 पर चेक करते हैं कितने सार टेबल जाएगी, 6 4s 8 देखते हैं, 4 वैसे 2 5s 10, 2 4s 8 ठीक है, 6 4s 24, 2 9 4s 36, 7 8 3 4 5 6 7, 5s भी चेक कर लेते हैं, 196 इंटू 5, 6 5s 33, 9 5s 45, 6 7 8, 35 3, 5 1s 5 6 7, 5 1s 1 second, 3 4, 5 1s 5 plus 4 is 9, 980, ये कंप्लीट डिवाइड होगा, 5s टेबल जाएगी, 5s 980। तो इस केस में रिमाइंडर पहले ही स्टेप में हमारा जीरो आ गया है, तो कहने का मतलब है ये 196 ही HCF है 196 और 38,220 का। लिखेंगे कैसे आप, सबसे पहले हम कहेंगे 38,220 इज ग्रेटर दैन 196, सो एज पर
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर के। सो ये जो ए है ये इक्वल होगा, ये बी है 196 इंटू एक क्वेश्चन प्लस एक रिमाइंडर। सो 38,220 इक्वल होगा 196 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन इंटू 195 प्लस रिमाइंडर जीरो, इंटू 195 प्लस जीरो। पहले केस में रिमाइंडर जीरो है, सिंस रिमाइंडर इज जीरो सो 196, यहाँ पर जो बी होता है लास्ट में वो एच सी एफ होता है दोनों नंबर्स का। सो 196 इज एच सी एफ ऑफ 38,220 एंड 196। ओके नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 867 और 225। सो 225 से डिवाइड 255 सॉरी 867 को थ्री ज़ार चेक करते हैं, 5 थ्री ज़ार 15 1 15 16 1 6 7 ठीक है, 4 ज़ार भी देख लेते हैं 255। वैसे 250 इंटू 425 5 नहीं जाएगा ये, क्योंकि 1000 से भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है 4 ज़ार ही चलाएं, 3 ज़ार ही चलाएं, 4 ज़ार चेक करते हैं ना 225। ओके देख लेते हैं 4 5 ज़ार 20 2 2 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 10 1000 बहुत ज़्यादा है, तो टेबल 3 ज़ार चलेगी 765 765 माइनस किया 7 माइनस 5 इज 2 0 1 102 रिमाइंडर है, आगे कुछ कैरी करने के लिए भी नहीं है। सो अभी 102 से डिवाइड करेंगे 255 को, ये डिविडेंड हो जाएगा 255। टू ज़ार टेबल चलेगी 204 204 माइनस किया 1 5 51 51 से अभी डिवाइड करेंगे 102 को, 2 1s is 2, 2 5s are 10, रिमाइंडर है 0। सो फाइनली किससे डिवाइड करने पर आंसर 0 आया है 51 से, तो इन दोनों का एचसीएफ होगा 51। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले 867 इज ग्रेटर दैन 255, सो एज पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर के। सो ए अभी है हमारा 867 जो इक्वल होगा 255 इंटू समथिंग प्लस समथिंग, और ये क्या है क्यू और आर लिखते हैं 867 इक्वल 255 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो 255 इंटू 3 प्लस 102 इंटू 3 प्लस 102। नेक्स्ट स्टेप में 255 इक्वल होगा 255 इक्वल 102 इंटू 102 इंटू 2 प्लस 51 इंटू 2 प्लस 51। नेक्स्ट स्टेप में 102 आगे आएगा, 102 इक्वल 51 इंटू समथिंग प्लस 51 इंटू क्या 51 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0। फाइनली जो रिमाइंडर है वो 0 है। सो एच सी एफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव जो ऑड इंटीजर होता है, वो ऑड होते हैं जो 2 के टेबल में ना है, इसका ऑपोजिट इवन जो 2 से डिविजिबल होते हैं। सो ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपके पास चार यहाँ पर वेरिएबल्स हैं जो यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम में है, ए बी क्यू और आर। रिलेशन क्या है इनमें, ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर के। ऐसे सभी क्वेश्चंस में जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है, इन केस में हम बी की वैल्यू को अज्यूम करेंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव थे। और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 प्रूव करना है, क्योंकि a इक्वल होता है bq प्लस r के। सो b को हम क्या लेंगे 6, b को 6 ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा, सेकंड क्वेश्चन, लेट b इक्वल टू 6। नाउ एज पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम कहता है दैट ए इक्वल होगा बी क्यू प्लस आर के, और आर के ऊपर रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन ये होती है कि रिमाइंडर जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा।
तो क्योंकि बी आपने 6 लिया है तो आर की वैल्यूज क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, आर 0 या फिर उससे बड़ा होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, बी के इक्वल भी नहीं होगा, बी से छोटा, तो 6 से छोटा और 0 से बड़ा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आर की वैल्यूज होगी। अभी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं ए की वो लिखेंगे हम। तो सबसे पहले a, a1, a2, a3, a4, a5 इसको नाम देंगे। फर्स्ट केस जहाँ पर आर है 0, तो इस केस में वैल्यू होगी a1 इक्वल होगा, b हमारा 6 है, 6, q को q ही रखेंगे क्योंकि वही हमें प्रूव भी करना है, अगर आप जो 2 प्रूव है उसको देखें, 6q प्लस समथिंग, तो पहला होगा 6q प्लस 0। दूसरी a की वैल्यू होगी a2, 6q प्लस 1 आर की वैल्यू, बी क्यू प्लस आर, आर 0 है, सेकेंड केस में आर 1 है, a3 6q प्लस 2, a4 6q प्लस 3, a5 6q प्लस 4 और a6 6q प्लस 5। क्लियर है? सबसे पहले आपको b अज्यूम करना है, उसके बाद यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम लिखना है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, और r की कंडीशन भी लिखनी है। b आपने मान लिया तो r की वैल्यूज आप लिख सकते हैं, अभी r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और b से पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है वहां तक आप लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद ए की अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे डिफरेंट आर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 0 है, सो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं आपकी, आपको इनमें से ऑड और इवन फाइंड करना है, कि क्वेश्चन में कहा था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 होते हैं। सो ये जितनी भी आपकी ए की पॉसिबल वैल्यूज हैं, जो ए की वैल्यू हो सकती है, इनमें से कौन से नंबर्स इवन है, इवन मतलब कौन से 2 से डिविजिबल होंगे। सबसे पहले 6q+0, यानी कि 6q ही इसको लिखेंगे, इसको हम 2 × 3q लिख सकते हैं, 2 × समथिंग। जब भी किसी नंबर को आप लिख लिख पाए तो वो होता है इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 2 × 4, 8, तो 8 इवन है। 9 को आप 2 × समथिंग नहीं लिख सकते एग्जैक्ट नंबर्स में, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, कंप्लीट नंबर्स की 4.5 नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो इसीलिए 9 होता है ऑड नंबर। ठीक है, तो आपने इसको 2 × 3q लिख दिया, मतलब कि ये है इवन। नेक्स्ट है 6q+1, इनमें से दो नंबर्स हैं उनका एडिशन है, 6q में 1 ऐड नहीं हो सकता, और इन दोनों में से आप 2 भी कॉमन नहीं ले सकते, तो ये होगा ऑड। वैसे भी आपको पता है 6q इवन है, इवन नंबर में जब भी आप 1 ऐड करते हैं तो ऑड नंबर बनता है। कोई भी देख लो, 8 मान लीजिए इवन है, आपने 1 ऐड किया 9 ऑड बन गया, 12 इवन है, 1 आपने ऐड किया 13, ये ऑड बन गया, तो 6q+1 ऑड है। नेक्स्ट है 6q+2, दोनों नंबर से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 × 2, 2 3 = 6, 3q+2 = 2। फिर से हमने इस नंबर को 2 × समथिंग कोई भी इंटीजर उसकी फॉर्म में लिख दिया, जिसको भी 2 × कुछ नंबर हम लिख पाए वो होता है इवन, तो ये हो गया इवन। 3, 6q+3 में 3 कॉमन है, 2 नहीं है कॉमन, 3 हम लेंगे भी नहीं क्योंकि हमें 2 का मल्टीपल देखना है, तो ये हो जाएगा सीधा ऑड नंबर। 6q+4, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × समथिंग, 2 × 3q+2, तो ये है इवन, और लास्ट में इसमें 2 कॉमन नहीं है, सो ये है ऑड। अभी हमें ऑड इंटीजर्स फाइंड करने थे, ऑड इंटीजर्स कौन से हैं हमारे, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, और देखो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रूव करिए कोई भी इवन इंटीजर किस फॉर्म में होता है, 6q या फिर 6q+2 या फिर 6q+4। ओके, तो ये तीनों इवन है और ये तीनों ऑड है, तो ये हो जाएगा सो एनी, जो लिखा है वही एज इट इज, एनी पॉजिटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लैंग्वेज एज इट इज क्वेश्चन से उठा लेंगे, ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, 6q+1, 6q+3 या फिर 6q और 6q+5, हेंस प्रूफ। क्लियर? बी आपने अज्यूम किया सबसे पहले 6, क्योंकि 6 समथिंग + समथिंग हमें दिया था यहाँ पर, और हमें पता है बी क्यू प्लस आर ही होता है। कंडीशन लिखी, आर की वैल्यूज रखी, उसके बाद जो भी ए की वैल्यू हो सकती है सारी डिफरेंट आर के अकॉर्डिंग लिख दी,
और जो प्रूव करना है इनमें से ऑड नंबर्स हमें बताने थे, ऑड और इवन को अलग कर लिया, आपने देखा कि ऑड वही है जो क्वेश्चन में हमें दिया था, सो प्रूव हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक 616 मेंबर्स का आर्मी कंटिजेंट है, ग्रुप है सोल्जर्स का, जिसको मार्च करना है, इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड में आगे बैंड वाले होते हैं, पीछे मार्च करते हैं सोल्जर्स, सो बैंड में है 32 मेंबर्स और वैसे है जो पीछे मार्च करेंगे 616 मेंबर्स। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में सभी मार्च करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। तो जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं मैक्सिमम हाईएस्ट, इस केस में हमेशा हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। वैसे भी हमें पता है कि एचसीएफ का आंसर दोनों नंबर से छोटा आता है और एलसीएम का आंसर दोनों नंबर से बड़ा आता है, तो 616 और 32 से ज़्यादा तो लाइंस नहीं हो सकती मार्च करने के लिए, इनसे कम ही लाइंस होंगी, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, जिसमें इक्वली आप डिवाइड कर सके जो बैंड वाले मेंबर्स हैं और जो मार्च करने वाले मेंबर्स हैं इनको। तो इस केस में दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। थोड़ा सा पहले लैंग्वेज लिखेंगे, आंसर नंबर 3, नंबर ऑफ आर्मी कंटिंजेंट मेंबर्स इक्वल 616, नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स इक्वल टू 32। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 616 and 32। ओके, और एच सी एफ किससे फाइंड करेंगे, यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम से। सबसे पहले डिवाइड करते हैं 616 ग्रेटर है 32 से, सो पहले 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, 616 डिवाइडेड बाई 32, पहले 61 पर टेबल चलेगी, 2s हो जाएंगे 64, ज़्यादा हो जाएगा वंस, 32 इंटू 1 इज 32, माइनस किया 11 माइनस 2 इज 9, 5 माइनस 3 इज 2, 29 रिमाइंडर है, 6 को कैरी किया 296, 296 पर 9 3s 27, 9 2s 18, 1 27 28, 288, 9s टेबल चलेगी 288, माइनस किया बोरो किया 16 माइनस 8 इज 8, 8 माइनस 8 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 8 रिमाइंडर है, अभी डिवीजन खत्म हो गई है, कुछ आगे कैरी करने के लिए नहीं है, तो दूसरा स्टेप चलते हैं, 8 से अभी डिवाइड करेंगे 32 को, 32 आएगा यहाँ पर डिविडेंड, 8 4s 32, रिमाइंडर है 0, क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है और एच सी एफ है 8, तो यानी कि 8 लाइन्स होंगी और 8 लाइन के हिसाब से 32, 8 4s 32, एक लाइन में 4 बैंड मेंबर्स होंगे और उनके पीछे मार्च करने वाले लोग कितने होंगे, 616 डिवाइडेड बाई 8, 8s 64, 7s 56 माइनस 65 56, 77 एक लाइन में मार्चिंग मेंबर्स होंगे। ओके, अभी लिखेंगे कैसे इसको, क्योंकि एच सी एफ हमें फाइंड करना था, 616 ग्रेटर है 32 से, सो एज पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम विच इज़ ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, सो 616 इक्वल 32 इंटू समथिंग प्लस समथिंग, 32 इंटू 19 प्लस 8, फाइनल रिमाइंडर ये है, ये नहीं, 32 इंटू 19 प्लस 8, नेक्स्ट केस में 32 आगे आएगा, 32 इक्वल 8 इंटू 4 प्लस 0, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, सो एच सी एफ इज 8, सो हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8 ऑफ कॉलम्स, 8 कॉलम्स हैं जिसमें कि वो मार्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किन्हीं भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो वो 3 का मल्टीपल होता है या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है, फॉर सम इंटीजर्स m, आप चाहो तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 क्या है 3 का मल्टीपल प्लस 1, 3
थ्री इंटू वन, थ्री वन सिक्स थ्री, उससे एक ज़्यादा प्लस वन। उसके बाद है फाइव का स्क्वायर है, मान लीजिए फाइव का स्क्वायर है 25, 25 क्या है 3m प्लस वन, थ्री एट ज़ार 24 प्लस वन 25, थ्री का मल्टीपल कोई नंबर प्लस वन की फॉर्म में है। सिक्स का स्क्वायर है 36, 36 तो थ्री का ही मल्टीपल है, थ्री इंटू 12, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो थ्री का मल्टीपल होता है या फिर थ्री के मल्टीपल से ज़्यादा होता है। ये स्टेटमेंट है जो कि आपको प्रूव करनी है यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम से। सो थ्री इंटू समथिंग, थ्री इंटू समथिंग प्लस वन, बी को हमें अज्यूम करना है, बी को थ्री ले लेते हैं। सो आंसर नंबर फोर, लेट बी इक्वल टू थ्री, डिवीजन एल्गोरिदम लिखेंगे एज पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर के। ए कुछ भी हो सकता है, बी हमें थ्री लेना है, और आर पे कंडीशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आर बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है जीरो के, और हमेशा छोटा होता है बी से। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर जीरो से स्टार्ट होगा, बी से हमेशा कम, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू बस, क्योंकि बी तो थ्री है ही, थ्री से छोटा जो नंबर है वो टू ही है। तीन हमें आर मिल गए तो यहाँ से तीन ए मिलेंगे, ए वन, ए टू और ए थ्री। ए वन, ए होता है बी क्यू प्लस आर, बी तो फिक्स है थ्री है, सो थ्री क्यू, क्यू क्यू ही रहेगा प्लस आर, आर की सबसे पहले वैल्यू हम लेंगे जीरो। ए टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर वन, थ्री क्यू प्लस टू, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं वेन आर इक्वल टू जीरो, वैसे वो अंडरस्टूड है क्योंकि आपने वैल्यू ऊपर लिख दी है वेन आर इक्वल टू वन, और ये है जब आर है टू। ठीक है, ए हो गया बी क्यू प्लस आर। अभी हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था यूक्लिड के डिवीजन लेमा से दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए हैं, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स थे, बी तो फिक्स है हमने थ्री ले लिया है, ए के डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, इनके स्क्वायर करके हम प्रूव करेंगे कि इनका स्क्वायर या तो थ्री का मल्टीपल है या फिर थ्री का मल्टीपल प्लस वन है। स्क्वायर्स करते हैं, सबसे पहले ए वन का स्क्वायर, नाउ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, ऑन स्क्वायरिंग दीज पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स ए वन का स्क्वायर किया पहले हमने, ए वन क्या था थ्री क्यू प्लस जीरो, प्लस जीरो मतलब थ्री क्यू ही है, सो थ्री क्यू का स्क्वायर, थ्री क्यू का स्क्वायर कितना होगा, थ्री थ्री ज़ार नाइन एंड क्यू स्क्वायर। अभी जो प्रूव करना है उसको ध्यान में रखेंगे, हमें प्रूव करना है थ्री का मल्टीपल थ्री एम या फिर थ्री एम प्लस वन। तो सबको जब भी आप स्क्वायर करेंगे सबको थ्री का मल्टीपल या फिर थ्री का मल्टीपल प्लस वन प्रूव करते हुए जाएंगे। सो नाइन क्यू स्क्वायर, ये तो थ्री का मल्टीपल ही है, इसको हम लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री थ्री ज़ार नाइन तो थ्री, और ये हो जाएगा एम। आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू थ्री एम, जहाँ पर एम हमने क्या लिया है, वेयर एम इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री क्यू स्क्वायर को हमने एम मान लिया थ्री का मल्टीपल। सो ये हो गया थ्री एम, हो गया प्रूव फर्स्ट केस। अभी ये टू का स्क्वायर करेंगे दूसरे इंटीजर का स्क्वायर, ए टू था थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो थ्री क्यू का स्क्वायर, थ्री थ्री ज़ार नाइन क्यू स्क्वायर वन प्लस थ्री टू ज़ार सिक्स क्यू। ओके, इनमें देखते हैं कि कौन से नंबर्स थ्री के मल्टीपल है, नाइन क्यू स्क्वायर भी थ्री का मल्टीपल है, इसमें से थ्री कॉमन आ सकता है, इसमें से भी थ्री कॉमन आ सकता है, वन बचेगा तो वन को लास्ट में रख लेते हैं। आप लिखेंगे प्लस वन, अब इन दोनों से थ्री कॉमन लेते हैं, थ्री कॉमन लिया, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री टू ज़ार सिक्स टू क्यू प्लस वन, तो ये हो गया आपका थ्री एम, इस पूरे को एम लिख दिया है प्लस वन, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे भी कि जहाँ पर हमने एम लिया है थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू को, वेयर एम इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू। ओके, तो नेक्स्ट प्रूव हो गया थ्री एम प्लस वन की फॉर्म में है। अब थर्ड ए थ्री का स्क्वायर करेंगे, दो अब तक बिल्कुल सही है, पहले नंबर का स्क्वायर थ्री का मल्टीपल है, दूसरे नंबर का स्क्वायर थ्री का मल्टीपल प्लस वन है, तीसरा देखते हैं ए थ्री स्क्वायर, ए थ्री क्या था, ए थ्री था थ्री क्यू प्लस टू, प्लस टू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर आइडेंटिटीज में लगेगी प्लस बी स्क्वायर
टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है। थ्री थ्री ज़ार नाइन क्यू स्क्वायर, टू टू ज़ार फोर, थ्री टू ज़ार सिक्स, टू ज़ार ट्वेल्व, ट्वेल्व क्यू। थ्री के मल्टीपल देखते हैं, इससे थ्री कॉमन आ जाएगा, इससे थ्री कॉमन आ जाएगा। फोर में थ्री कॉमन नहीं आ सकता, फोर क्योंकि थ्री का मल्टीपल नहीं है, लेकिन फोर से हम एक थ्री को अलग कर सकते हैं। फोर को हम लिख सकते हैं थ्री प्लस वन, जहाँ पर एक तो थ्री का मल्टीपल हमें कम से कम मिलेगा, वन ही सिर्फ डिफरेंट रह जाएगा। इस क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे आप जाएंगे। अब हम लिखेंगे नाइन क्यू स्क्वायर एज इट इज, फोर को लिखेंगे थ्री प्लस वन। अगर यहाँ पर फोर की जगह मान लीजिए टेन होता, तो टेन को हम, या फिर इलेवन होता, तो इलेवन को हम लिखते थ्री का मल्टीपल, नाइन हमें मिल सकता है यहाँ से, नाइन प्लस टू, ठीक है। तो जो हमें प्रूव करना है, जितने मल्टीपल उसके निकल सकते हैं वो हम रखते हैं अलग से, और बाकी जो नंबर बच जाए। सो फोर को थ्री प्लस वन लिखा, ट्वेल्व क्यू एज इट इज प्लस ट्वेल्व क्यू। अभी तीन मल्टीपल हमें मिल गए हैं, इससे भी थ्री कॉमन है, यहाँ से भी थ्री कॉमन आएगा, यहाँ से भी थ्री कॉमन आएगा, वन बच जाएगा, तो वन को सबसे लास्ट में रखते हैं। थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री ट्वेल्व क्यू प्लस वन, इन तीनों से थ्री कॉमन लेंगे। थ्री बारह है, थ्री थ्री ज़ार नाइन, प्लस थ्री वन से थ्री, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, प्लस वन। अब ये क्या हो गया, थ्री का मल्टीपल, थ्री इंटू समथिंग यानी कि थ्री एम प्लस वन। तो इसको लिखा हमने थ्री एम प्लस वन, और जहाँ पर एम क्या है, वेयर एम इक्वल टू, ये पूरा, इस पूरे को हमने एम लिया है, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर क्यू। तो देखो प्रूव हो गया, सभी जो नंबर्स थे, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ए पहले का स्क्वायर थ्री एम है, थ्री एम की फॉर्म में है, दूसरे का स्क्वायर थ्री का मल्टीपल प्लस वन है, और तीसरे का स्क्वायर भी थ्री एम प्लस वन है। सो लास्ट में वही स्टेटमेंट जो शो हमें करनी थी, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म थ्री एम और थ्री एम प्लस वन फॉर सम इंटीजर एम। एम कोई भी इंटीजर हो सकता है, हर केस में एम डिफरेंट है। बस ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म थ्री एम और थ्री एम प्लस वन, हैंस प्रूव। क्लियर। पहले एम बी को थ्री लिया, स्टेटमेंट लिखी, आर की वैल्यूज रखी, जीरो वन टू तीनों के केस में, ए वन ए टू ए थ्री फाइंड किया, स्क्वायर हमें पता करना था, इनके स्क्वायर हो गए। पहले का स्क्वायर है नाइन एम स्क्वायर, नाइन क्यू स्क्वायर सॉरी, इसमें थ्री, ये पूरा ही थ्री का मल्टीपल है, तो थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर लिख दे, ये थ्री एम हो गया। दूसरे का स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगाई, इसमें दो नंबर्स थ्री के मल्टीपल है, सिर्फ वन बचता है, तो ये हो गया थ्री का मल्टीपल प्लस वन, थ्री एम प्लस वन। तीसरे केस में स्क्वायर जब किया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो फोर आएगा उससे एक थ्री का मल्टीपल हमें मिल रहा है, सो उसको थ्री प्लस वन आप लिखेंगे, इससे मल्टीपल मिल जाएगा और लास्ट में वन रह जाएगा, ये भी थ्री एम प्लस वन की फॉर्म में है। ओके नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म नाइन एम, नाइन एम प्लस वन और नाइन एम प्लस एट। अब ये कहता है कि शो करिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो नाइन का मल्टीपल होता है, या फिर नाइन का मल्टीपल प्लस वन होता है, या फिर नाइन का मल्टीपल प्लस एट होता है। ओके इस केस में जो एक्चुअली में होना चाहिए था क्वेश्चन सॉल्व, आप बी को नाइन लेंगे, आर की वैल्यूज आएंगी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, उसके बाद नौ आपके ए बनेंगे, ए वन ए टू। पहले केस में आप लिखेंगे नाइन क्यू प्लस जीरो, नाइन क्यू प्लस वन, नाइन क्यू प्लस टू, नाइन क्यू प्लस थ्री, नाइन क्यू प्लस फोर, फाइव सिक्स सेवन एट, फिर सभी के क्यूब्स करेंगे। अभी क्यूब करना भी मुश्किल है, नाइन क्यू प्लस वन का क्यूब होगा ए प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूला इसमें लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, चार पाँच पेज का इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बी को नाइन नहीं लेंगे, बी को थ्री लेंगे, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ओके बस याद ही रखना है इसमें आपको, जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं सभी में जो यहाँ पर नंबर आपको दिया है वही हम बी लेते हैं। आप इसमें अगर बी को नाइन लेके भी सॉल्व करेंगे, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन कम से कम हाफ एन आवर तक इसको सॉल्व करने में चला जाएगा। बहुत सारे नंबर्स आएंगे, फिर उनमें से नाइन का मल्टीपल अलग करना, कोई अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया, मान लीजिए ट्वेंटी आ गया, तो उसको फिर एटीन प्लस टू आप लिखेंगे, जितने नाइन के मल्टीपल्स हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, इसमें बी को नाइन ना लेके थ्री लेंगे, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
आंसर नंबर फाइव, लेट बी इक्वल टू थ्री. ओके, सो एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये रूल नहीं है कि बी आपको यही लेना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम अपने उसके हिसाब से लेते हैं ताकि जो मल्टीपल्स हैं हमारे लास्ट में, क्योंकि बी क्यू प्लस आर होता है तो वो फाइनली इस फॉर्म में आ जाते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, नाइन का क्यूब आप करेंगे, थ्री का क्यूब आप करेंगे तो भी नाइन के मल्टीपल्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, उतना नहीं समझना अभी. एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर के, और आर पे कंडीशन है ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी. तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, वैल्यूज ऑफ आर जीरो या फिर वन या फिर टू. प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलेगी ए की. सबसे पहले है ए वन, ए वन होगा बी क्यू प्लस आर, बी क्योंकि थ्री है सो थ्री क्यू प्लस आर की पहली वैल्यू जीरो, जहाँ पर आर है जीरो. सेकेंड ए टू, बी क्यू यानी कि थ्री क्यू प्लस वन, जहाँ पर आर वन है. और थर्ड ए थ्री, बी क्यू थ्री क्यू प्लस टू, वेयर आर इक्वल टू टू. ओके, अभी सभी के क्यूब समय करने हैं. लेमा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक तो इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर थे लेमा में ए एंड बी, एक हमने अज्यूम कर लिया कि थ्री है, दूसरा जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम यूज़ करेंगे जो प्रूव करना है उसके लिए. सो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ए, इन सभी के क्यूब सम करेंगे, ए वन का क्यूब, ए टू का क्यूब, ए थ्री का क्यूब, और प्रूव करेंगे वो या तो नाइन एम है या फिर नाइन एम प्लस वन है या फिर नाइन एम प्लस एट है. सो नाउ ऑन टेकिंग क्यूब्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए वन ए टू एंड ए थ्री. सबसे पहले ए वन का क्यूब, ए वन क्या है, थ्री क्यूब, थ्री क्यूब क्यूब, थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन और क्यू क्यूब, ये आंसर आ गया. प्रूव हमें क्या करना था, नाइन का मल्टीपल या फिर नाइन एम प्लस वन या फिर नाइन एम प्लस एट. देखते हैं कितने नाइन के मल्टीपल इसमें से निकलेंगे. एक ही ये डिजिट है, एक ही टर्म है, और ट्वेंटी सेवन नाइन का मल्टीपल होता है तो इसको हम लिख सकते हैं नाइन इंटू नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, थ्री क्यू क्यूब, नाइन इंटू समथिंग यानी कि नाइन एम, इसको हम लिख देंगे एम, जहाँ पर वेयर m इक्वल है थ्री क्यू क्यूब के. क्लियर, उसने कहा था ये है, और m कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. ओके, तो सबसे पहले 9m प्रूव हो गया. अभी दूसरे नंबर का क्यूब करते हैं, a टू क्यूब, a टू क्या है, थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस वन क्यूब. आइडेंटिटी अभी इसमें लगेगी a प्लस बी होल क्यूब की, a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये नाइन्थ में हमने देखा था, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. ओके, सो ए क्यूब यानी कि थ्री क्यू क्यूब, बी क्यूब यानी कि वन का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, थ्री क्यू का स्क्वायर इंटू वन प्लस थ्री ए थ्री क्यू बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर. आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व करते हैं. थ्री क्यू क्यूब होगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, क्यू क्यूब प्लस वन का क्यूब वन ही होगा, प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन इंटू थ्री, नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, और क्यू स्क्वायर ट्वेंटी सेवन इंटू वन, तो नंबर पर कोई फर्क नहीं डालेगा, वही रहेगा. ये नाइन हो गया, नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, और क्यू का स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, थ्री थ्री ज़ार नाइन क्यू, नाइन क्यू. ये हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद आया, चार टर्म्स हैं इसमें. नाइन के मल्टीपल्स हमें देखने थे, तो ये भी नाइन का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, बचा वन. वन में से कोई भी नाइन का मल्टीपल हो नहीं सकता, तो इसको लास्ट में रखेंगे. पहले थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कर लेते हैं, नाइन क्यू क्यूब पहले, उसके बाद ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्वायर, नाइन क्यू, और सबसे लास्ट में रखते हैं वन को. इन सभी में से नाइन कॉमन लेंगे, थ्री क्यू क्यूब, नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, अगेन थ्री क्यू स्क्वायर, नाइन वन सेज नाइन, नाइन चला गया, सो क्यू प्लस वन. तो ये किस फॉर्म में है, नाइन एम, नाइन का मल्टीपल कोई भी नंबर हो प्लस वन, जहाँ पर एम इक्वल है थ्री क्यू क्यूब, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू के. क्लियर, नाइन एम, नाइन एम प्लस वन प्रूव हो चुका है, नाइन एम प्लस एट बचा है, तीसरा नंबर नाइन एम प्लस एट की ही फॉर्म में होगा. तो देखते हैं, ए थ्री का क्यूब करेंगे अभी, जो कि है थ्री क्यू प्लस टू होल क्यूब. ओके, आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. ओके, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, क्यू क्यूब,
टू का क्यूब, टू टू ज़ार फोर, टू ज़ार एट, प्लस यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले थ्री का स्क्वायर, थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन थ्री ज़ार 27, और 27 इंटू टू, सेवन टू ज़ार 14, वन टू टू ज़ार फोर प्लस वन फाइव, 54। सो 54, और वेरिएबल क्यू था जिसका स्क्वायर हो रहा था, सो क्यू स्क्वायर प्लस टू टू ज़ार फोर, थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन फोर ज़ार 36, 36, और वेरिएबल है क्यू, 36 क्यू। ये सॉल्व हो गया। इसमें नाइन के मल्टीपल्स देखते हैं, ये भी नाइन का मल्टीपल है, ये भी नाइन का मल्टीपल है, ये भी नाइन की टेबल में आएगा। जो नंबर्स हैं बचा एट, उसको लास्ट में रखते हैं, 27 प्लस फिर 54 क्यू स्क्वायर रखेंगे, 36 क्यू एंड प्लस 8। ओके, नाइन कॉमन लिया, नाइन थ्री ज़ार 27, थ्री क्यू क्यूब, देन नाइन सिक्स ज़ार 54 क्यू स्क्वायर, नाइन फोर ज़ार 36, फोर वैसे क्यू भी कॉमन आ जाएगा लेकिन वो हमारे काम का नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लिया। फोर क्यू प्लस 8 बचा लास्ट में, ब्रैकेट बंद एंड देन प्लस 8। तो ये है नाइन का मल्टीपल, 9m प्लस 8 इक्वल टू 9m प्लस 8, जहाँ पर ये पूरा नंबर हमने m लिया है, जहाँ पर m है थ्री क्यू क्यू, सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस 4q। ओके, तो हमने देखा कि जब हमने इन पॉजिटिव नंबर्स के क्यूब किए, या तो वो नाइन का मल्टीपल है, या फिर 9m प्लस 1 है, या फिर 9m प्लस 8 है, और यही हमें प्रूव करना था, दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो फाइनल आप यही लिखेंगे, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस दिस और दिस, एंड देन हेंस प्रूव। क्लियर? सभी क्वेश्चन में जो गिवन है आपको, अगर यहाँ पर 6 है तो बी आप 6 को लेंगे, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो वही नंबर आप लेते। सिर्फ क्यूब के केस में हमने 3 ले लिया है, क्योंकि 3 से भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया और 9 से बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। होपफुली क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।